घर से बाहर क्या गया, घर की हालत क्या कर दी आप लोगों ने? नहीं नहीं, क्या कह रही थी वो कि भाई अमन जो है घर से बाहर चली गई है, गायब हो गई है ना? एक बात बताओ बेबे, ये जमीन खा गई या आसमान निकल गया? और उसको ढूंढता क्यों नहीं? कितनी जिद पर हेलीपुर है पापा, चमको गई है ना उसे ढूंढने, अमन भाभी नहीं मिल रही तो क्या करें? ओहो, चमको को भेजा है पॉन्ड जेम्स है वो हमारे घर की, गई उधर दूरबीन लगा के ढूंढ रही है। समझ गया बेबे, समझ गया सब, अमन गुमी है तो चमको को भेज दिया। ये शिका अगर गुमी होती तो सबके सब ना मेरे को हरियालीपुर के चौराहे पे दिखते। बड़े शर्म की बात है। और सुन, तू क्या कर रही थी जब ये सब हो रहा था? तू क्या छत पे नहाने के बाद अपने बाल सुखाने गई थी? रविंदर, तैनू तो पता ही है ना, वो कैसी कैसी हरकतें कर रही थी और कहीं निकल गई, हमको भी नहीं पता चला। हमको भी नहीं पता चला, कितने आराम से कह दिया आपने। ओ बेबे, छोटे से छोटे धर्मशाले में भी लोगों को पता होता है कौन अंदर आया कौन बाहर गया, तो बगा उसे। महान है आप लोग, मन तो करता है रैलीपुर के चौराहे पे ना आप सबके पुतले बनाऊं बड़े बड़े। अब वो कहाँ है, जन्मजात पागल सांड मेरा। ओ जी, वो अमन को ढूंढने गया है। हाँ, ऐसे बोलती है जैसे हनुमान जी हिमालय पहुंच गए संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए। और वो उसको ढूंढने गया है या किधर से खोद के निकालने गया है? और वो कहाँ है हमारा सबूत दूसरा, वो आया नहीं वापस। रंजा जी, मम्मी जी, शिखा कहाँ है? कब से फोन मिला रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। ओए 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 अरविंदर सिंह बगे, मैं तेरा क्या करूं यार। तेरे को अगर मैं कहता हूं बेअकला बैल तो बैल की बेइज्जती हो रही है, और तेरे को मैं अगर कहूं कि तू जिद्दी खोता है तो खोते की बेइज्जती होती है। तू पता क्या है, वो मेरी तरह देख, तू ना मेजर डिफॉल्ट है, बहुत बड़ा डिफॉल्ट है तू, समझा कि नहीं? तो कमाल है यार, एक तेरी वोटी जो है वो मिल नहीं रही है, दूसरी गायब हो गई, एक तेरे से संभाली नहीं जाती, तूने दूसरा विवाह करा ली। ओए, ओ तेरा क्या होगा यार, क्या करूं? अजूनी, तू ऊपर क्या कर रही थी और शिखा कहाँ है? पता नहीं मम्मी जी, शिखा को खाना खिला के मैं तो अपने काम में लग गई थी, वो अपने कमरे में आराम कर रही होगी। भाभी जी, भाभी जी, आपके कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है, कोई दरवाजा पीट रहा है। एक बात बताओ, हमारे घर में ये डरावने तमाशे कब खत्म होंगे? अब कहां से किसकी आवाज आ रही है? ओए साहब, मुझे तो शिखा भाभी जैसी लग रही है। शिखा की? हाँ जी, अरविंदर, मैं बंद हो गई उस अलमारी में। शिखा, अरविंदर दरवाजा खोलो। शिखा, अरविंदर मैं अंदर हूँ। शिखा, अरविंदर खोलो इसे, अरविंदर मेरा सब कुट रहा है यहाँ पे, अरविंदर जल्दी खोलो। ये अलमारी के अंदर कैसे गई? पापा जी, मुझे नहीं पता। तो पता नहीं,
कमरा तेरा, अलमारी तेरी, कैसे तेरे को पता नहीं? अरे डैडी जी वो सब छोड़ो, चाबी कहाँ है? कैसे पड़ी है? अरे डैडी जी आप भी ना, चाबी कहाँ है? मेरे को पूछता, कमरा उसका है, उसको पूछ चाबी कहाँ है? तो चाबी कहाँ है? ये यही है, मैं लाती हूँ। हरविंदर जल्दी खोलो, अलमारी पे मर जाओगी यहाँ पे। पापा जी चाबी तो यहीं होती है। कहाँ है अजूनी चाबी? पापा जी चाबी यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। वाह वाह, एक चाबी का गुच्छा नहीं संभाला जाता, तुमसे घर संभालने की बात करते हैं। मालकिन बनना सबको इधर। नहीं मैं रोज यहीं रखती हूँ, आज मिल नहीं रही है। ढूंढो ढूंढो किधर चाबी गई। अजूनी अलमारी की चाबी बाहर क्या कर रही? इधर दे। आप सब लोग यहाँ? अंदर फंसी हुई है उसी का। अरे अजूनी कौन सी चाबी है? वो वीर जी छोटी वाली। हरविंदर खोलो। शिका, शिका। लंबी लंबी सांस ले, लंबी लंबी। मैं हूं ना भाभी। शिका 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 तू ठीक तो है ना बहू? हाँ रोमिन जल्दी से पानी लेके आ, जल्दी। बहू ठीक है ना? तू लंबी सांस ले। माफ करना आप लोग, अजिया नहीं मेरे को है? इतनी हड्डी गड्डी जाके एक अलमारी में फंस गई। ओए नरुला की नेवली, तू अंदर क्या कर रही थी? वैसे मैं पूछूं तो सुरंग बना रही थी, कहीं चोरी का इरादा तो नहीं था? कि वहां से घुसो कट करके सीधा मेरे कमरे में? अब भूलना नहीं, अगर तू नेवली है तो मैं अजगर हूं, तेरे खट्टे दांतों के साथ ही यूं करके निकल जाऊंगा। और खट्टे दांत से याद आया है अरविंदर, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो टाइम उसको खट्टी मीठी चीजें अच्छी लगती हैं, इमली ये सब है। लेकिन ये तेरी वट्टी को देख, अलमारी में घुस के किसी के सुरंग बना रही है, चोरी करने का मूड है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा बच्चा पैदा होगा वो चोर होगा? कभी यहाँ छुपेगा, कभी वहां छुपेगा, हैं? बेटी जी आप भी ना। रविंदर? नहीं नहीं। अजूनी तू एक चाबी नहीं संभाल सकती? राजवीर मैंने सच में यहीं रखी थी, तुझे कहाँ मिली? डॉली कमरे के बाहर। डॉली के कमरे के बाहर? वीर जी क्या बोल रहे हो आप, मैंने चाबी ली ही नहीं थी। पापा जी जरूर डॉली ने ही कुछ किया होगा, मैंने शिखा को आखिरी बार डॉली के साथ ही देखा था। अच्छा? हाँ। मतलब डॉली ने शिखा को अपनी बातों में फंसाया है और यहाँ लाके अलमारी बंद किया, वरना शिखा हमारे कमरे की अलमारी में कैसे आती? पापा जी यही पक्की बात, इसने किया है सब। हाँ वही, और फिर चाबी भी तो इसके कमरे के बाहर मिली है, सारे सबूत तो डॉली के खिलाफ है ना राजवीर? अरे तू? डॉली तू? अरे लेकिन मेरे कमरे के बाहर चाबी मिलने से क्या हो जाता है, इससे क्या साबित होता है? भाभी मैंने आपको बंद नहीं किया था। अच्छा जब तिजोरी की चाबी मेरे कमरे में मिली थी तो सबने मुझे चोर ठहराया था, कंगन चोरी का इल्जाम लगाया था मेरे ऊपर। बेबी जी अब आप ही बताओ डॉली इसमें कसूरवार है या नहीं? लेकिन बेबे पापा शिखा भाभी तो मेरी फेवरेट भाभी हैं, मैं इनके साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैंने कुछ नहीं किया इस बार, सच कह रही हूँ। तू क्यों क्या करेगी और क्यों नहीं करेगी मेरे को सब पता है, पूछ क्यों? रिश्ते में तेरा बाप लगता हूँ, बहुत बड़ी गलती की मैंने जो मास्टर के घर से तेरे को वापस यहाँ ले आया, लेकिन अब छोड़ मैं नहीं।